आपको। हमारा मैडम जी हमारा नसार गुम हो गया था यार। चलो एनी वे गुड मॉर्निंग बच्चों, सारे के सारे बदतमीज हैं। बैठो बैठो बैठो, तुम्हारे बड़े चल रहे स्टैंड अप। अब मैं जो भी बोलूंगी अपनी मादरी जबान में बोल के दिखाऊंगी। माँ का जबान। हाँ, ये टेबल पे चाय किसने गिराई? ये कमीने टेबल पे चाय किसने गिराई? सारे के सारे बदतमीज हैं। आप खड़े हो, खड़े हो, आप मुझे बताएं ऐसे। बदतमीज, खड़े रहना। यू स्टैंड अप। आप बताएं मुझे ऐसे। बैठो सारे के सारे बदतमीज नहीं हो तो। आप खड़े हो, आप पढ़ के आए ना? जी जी। आप मुझे लायक स्टूडेंट लगते हैं, इनके तना केयर मत कीजिएगा। चले आप ऐसा करें, पाँच का टेबल सुना दें। पाँच कर पाँच, पाँच तो है दस, पाँच दिए पंद्रह, पाँच चौके। हाँ और सुनाओ जी, बस सब अल्लाह का करम है, आप ही कुछ सुना दें। बदतमीज, सबके सब स्टूडेंट है, कोई आप लोगों को नहीं पढ़ा सकता। पीरियड ओवर, जा रही हूँ मैं क्लास छोड़। हमारा ये भी मिस फौजिया की तरह लेक्चर देता रहता है। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jannatul haramu wa dozakul halal. बैठो सब, बैठो बैठो। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टीचर तुमने तो टेस्ट दिया था। ओ अच्छा, ये क्या बदतमीजी है? स्टैंड अप स्टैंड अप। वो कौन सी जगह है जहाँ पर लड़कियाँ काम नहीं कर सकती? हमारा फायर ब्रिगेड। कैसे? लड़कियों का काम आग लगाने का होता है, बुझाने का नहीं। यू स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप। मैं जो बोलूंगी आप उसका उल्टा बताओगी। उल्टा। हाँ हाँ। ओके। Day, day, good, bed, entry, disentry. I said entry. I said disentry. Get out, get out, come get out. Here. I said get out. I said come here. Oh khudaya. Oh shaitana. Kya hoga tum logon ka? Badtameez, sab ke sab badtameez, sab badtameez. Period over. Ab main ja rahi hu class chhod kar. Exam day. Thank you.
हो गया। मुबारक हो, मुबारक। माड़ा फल फिर तो पका मेरा ये हो गया। माड़ा में तो फेल हो गया। ओ माड़ा में भी फेल हो गया यार। ये खबीब के बचो रे। काश हम उस वक्त उस्तादों का इज्जत कर लिया होता, थोड़ा पढ़ लिया होता, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। चलो ये जो गलतियां हमने की तो वो ये लोग ना करें, ये लोग ना धोराए। समझाओ मेरे भाइयों को और उनकी बहनों को। हमारे इस टैबलो का मकसद आपको हंसाना नहीं था, बल्कि आपको इस बात से आगाह करना भी था कि हमें जितनी हो सके अपने टीचर्स की इज्जत करनी चाहिए और दिल लगा कर पढ़ के कुछ बनना चाहिए।